एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में। श्योर बैठ। दीदी दीदी पम्मी मिताली, अरे वाह वाह भाई वाह, मैं कुछ दिन पिंड क्या चली गई, सारी की सारी मुझे भूल गई। आ गई तू? ना जी ना, अभी तो सिर्फ मेरे आने की खबर आई है। हो गई ना चालू। दीदी आप मुझे स्टेशन लेने क्यों नहीं आई? क्योंकि तूने खबर ही नहीं की कि महाबदौलत आ रही है। वैसे दीदी अचानक आने का मजा ही कुछ और होता है, और मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे सामने देख के आपके चेहरे पे कितनी खुशी आती है। कैसी है मेरी दीदी, मेरी जान? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। नमस्ते दासी। नमस्ते बेटा, कैसी हो रचना? और तुम्हारा वो छोटू, वो तो बहुत ही शैतान हो गया। शैतान हो गया? अब मैं आ गई हूँ ना, देखना उसकी शैतानियाँ कैसे निकालती हूँ मैं। सही कह। और पम्मी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तेरे बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तू तो मुझे ठीक ही नजर आ रही है। मैं घर का हाल चाल पूछ रही हूँ कि घर में सब ठीक है ना? घर भी ठीक ठाक ही है। दासी आप है ना पूरा पंजाब घूम कर आ रहे हो, दो दो बैग भी लेकर आए हो, मतलब हमारे लिए शॉपिंग वॉपिंग करके लाए हो ना? अरे मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ, बहुत कुछ लेकर आई, अभी देख। ये दीदी के लिए। थैंक यू। और ये हमारी बहू रचना के लिए। थैंक यू। तू भी ले ही ले। और दासी मेरे लिए? हाँ लाई हूँ ना तेरे लिए भी। और ये तेरे लिए अमृतसरी बढ़िया है। बढ़िया? इनमें मैं क्या करूंगी? ना तू सिर्फ खाएगी बल्कि इन सबको भी खिलाएगी, समझी? काम बढ़ा दिया उन्होंने। तेरे लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई, देख। वाह थैंक यू दासी, बहुत सुंदर है। वो तनु नजर नहीं आ रही है, उसका गिफ्ट भी दे दूं मैं? दासी अगर आप तनु को गिफ्ट देने का सोच रहे हो ना, तो आपको एक नहीं दो दो गिफ्ट चाहिए होंगे। क्या तनु का बच्चा हो गया? अरे नहीं, वो जो तनु की पार्टनर थी ना आलिया, वो घर वापस आ गई है। आलिया वापस आ गई? दीदी ये कैसे हो गया? वह यूं था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ही तो मुझे यहाँ लेके आए। Don't act smart with me, मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। क्यों आई हो यहाँ पर? वो मैं एक्चुअली क्या सोच रही हो ना, मतलब झूठ बोलने वाली हो? नहीं मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं वो घर पे अजीब फील कर रही थी तो मैंने सोचा कि बाहर जाके अच्छी हवा खा लूं। अच्छा तो इस रेस्टोरेंट में फ्रेश हवा खाने आई? झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अभी। ओ प्लीज तनु, कम से कम तुम तो ये सब मत करो ना। पता है आज तक प्रज्ञा ने मेरे साथ ये सब कुछ नहीं किया, तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं। अभी प्लीज ऐसा मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं मैं? एक तो तुम्हारी वजह से मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना नहीं चाहता, और जब मैं वो काम कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझ पर शक है। फायदा ये क्या है डिवोर्स देकर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है? तुम तो जिंदगी भर मुझ पर शक करोगी ना, अब चुप क्यों? बताओ ना क्यों आई थी? अब मुझ पर नजर रख रही थी ना तुम? हाँ रख रही थी मैं नजर। अब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट नहीं अब मैं रियलाइज कर रही हूँ कि यहाँ पे आके मैंने बिल्कुल ठीक किया। तुम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हो वो काम तो तुमने शुरू भी नहीं किया। हाँ नहीं किया और मैं वो करूंगा भी नहीं, नहीं देने वाला मैं उसे डिवोर्स, क्योंकि जो भरोसा वो मुझ पर दिखा रही है उसमें मेरा ही फायदा है ना। तो अब तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है, वो तुम्हें सही लग रही है राइट? मैं किसी का अच्छाई या बुराई नहीं देख रहा, मैं बस अपने आप को देख रहा हूँ, जो मुझे ये नहीं बता रही है कि वो मेरी पत्नी है या तो मेरी होने वाली पत्नी। मैं वही हूँ जो मैं हुआ करता था, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई मेरे साथ गलत करता है ना, मैं उसके साथ गलत नहीं कर सकता। मैं प्रज्ञा को शराब पिलाकर उन पेपर्स पर साइन थोड़ी ना ले सकता हूँ। इसलिए लो तुम्हारे डिवोर्स पेपर्स, मैं उसे अपने तरीके से डिवोर्स दूंगा, तुम्हारे तरीके से नहीं। अभी रचना ये अभी और प्रज्ञा अब तक क्यों नहीं आए? वो बाहर गए हैं, आते ही होंगे, मैंने फोन किया ना, आ जाएंगे। दासी ये जो आपने मुझे सूट दिया है ना, है तो बहुत अच्छा,
लेकिन मुझे फिट नहीं आ रहा। मेरे पास तेरा नाप था और मैं उसी नाप से सूट लेकर आई, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद ना तूने घर का कोई काम काज नहीं किया है, जब ही तो खा खा के अपना फिगर बढ़ा लिया है। अरे नहीं नहीं, देख ले, उल्टा मेरा वजन कम हो गया है, क्योंकि खाती वही हूँ जो खाने को मिल जाता है, और काम जो पहले करती थी ना वो तो करती हूँ, उसके अलावा वो भी करती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्या है वो काम जो तुझे नहीं करना चाहिए थे? जासूसी। मतलब कितना इम्पोर्टेंट काम है दासी, सबके ऊपर निगाह रखनी पड़ती है, आगे पीछे घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या करके आ रहा है। अभी जैसे आपको वो पता नहीं है जो मुझे पता है। पता है मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि अभी और प्रज्ञा इस वक्त कहाँ गए। वो मिताली, तू एक काम कर, ये सूट तुझे नहीं आ रहा ना, तो ये रचना को दे दे और रचना का तू ले ले। हाँ वैसे भी ये मोटी हो गई। लेकिन वैसे दोनों गए कहाँ हैं? अरे दासी वो लोग एक होटल में गए। हाँ कुछ जरूरी काम था उन्हें। होटल में? ऐसा क्या काम है भाई? मिताली तूने इंदु दादी को बताया नहीं होलियों में हमने कितना मजा किया था? नहीं नहीं दीदी एक मिनट, इतनी रात को ये अभी और प्रज्ञा होटल में क्यों गए हैं? अरे दासी वो क्या है ना, अभी को प्रज्ञा से एक पेपर पर ना साइन करवाने थे, बहुत जरूरी। साइन कराने? मिताली की बच्ची ये क्या कर दिया तूने? अगर आलिया को ये पता चला ना कि तूने उसकी बताई हुई बात को सबके सामने बता दिया है तो तुझे मार ही डालेगी। मिताली क्या सोच रही है, कौन से पेपर पे साइन लेने गई है? वो दासी क्या है ना कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, तो अभी प्रज्ञा को वो जो डील होने वाली है ना उसके लिए साइन कराने के लिए लेकर गया है। साइन कराने? हाँ, वो पेपर्स पर साइन हो जाएंगे ना प्रज्ञा के, तो उसके बाद हमारा अभी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सुपरस्टार बन जाएगा। ओ, वो पेपर। ये लीजिए प्रज्ञा जी, साइन करने से पहले पढ़ लीजिए। मिस्टर अभी आप भी पढ़ लीजिए प्लीज, मार्केट से पूरा 40% एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग आपको, और अब तो अपने रिश्ते भी पूरे घर जैसे हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि आपका खर्चा जरा बढ़ने वाला है, क्योंकि घर में एक नन्ना स्टार जो आ रहा है। अगर कई नन्नी रॉकस्टार आ गई तो खर्चा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और वैसे भी बेटिया तो पापा की बहुत प्यारी होती है, पापा तो बेटियों के सारे खर्चे पूरे करते, सारे शौक भी पूरे करते हैं। ये लीजिए मिस्टर अभी। थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस लूथरा, आप लोगों ने हमारे साथ दूसरी बार ये डील की, इतना भरोसा दिखाया, वी मेक श्योर कि हम आपको बेस्ट रिजल्ट्स दें। अब हम लोग चलते और फिर हम मिलेंगे गोद भराई के फंक्शन पर। मैंने जो कहा है ना अच्छे से ध्यान रखना। आइए। अरे कहाँ जा रहे? क्यों, और भी कोई मिलने आ रहा है? नहीं, लेकिन आपका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ है। तो इट्स रीज़न टू सेलिब्रेट। आपने कहा था ना कि हम अभी भी पति पत्नी हैं, तो पति की खुशी पत्नी की खुशी दोनों खुश है तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तुम्हें कैसे बताओ कि बहुत जल्द हमें ये पति पत्नी का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। डिवोर्स तो मैं लेके रहूंगा पर ऐसे धोखे से नहीं। अरे इतना मत सोचिए। मुझे नहीं करना कोई सेलिब्रेट। अरे बैठिए, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं मेरा मूड नहीं है। मेरा तो मूड है ना, और मैं बॉस हूँ, मैं जो बोलूंगी आपको करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ ड्रिंक। हां ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। एक्सक्यूज मी, ड्रिंक्स मेन्यू। दो जमैकन पंच। गॉड थैंक गॉड कुछ खाने को मिल गया, बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ, साइन हो गया क्या? नहीं आया, पेपर साइन नहीं हुए, बल्कि वो हुआ जिसका मुझे डर था, अभी पलट गया और उसने मुझे कहा कि वो प्रज्ञा से धोखे से सिग्नेचर नहीं लेगा, वो पहले मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या यार, ये भाई की क्या प्रॉब्लम है, हर बार लास्ट मिनट में आके काम बिगाड़ के देते। धोखा भाई ने तो वही किया ना जो प्रज्ञा ने उसके साथ में किया। वही तो। क्या वही तो,
तुम वही थी ना तो तुम भाई को समझा नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बोलती रहती हूँ। मैंने भाई को इमोशनल किया, ब्लैकमेल किया, ब्ला 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 ब्ला। सही टाइम पर तुमसे कुछ काम होता नहीं है वैसे तो। You know what? ये जो तुमने प्रज्ञा के साथ 24 घंटे का चैलेंज लिया है ना, इस हालत में तो तुम उसे कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। वो तो छोड़ो, वैसे 24 महीने में ना तो तुम भाई को भी अपना नहीं बना पाओगे। तुम्हारा बच्चा बाहर आ जाएगा लेकिन तुम भाई की पत्नी नहीं बन पाओगे। अरे मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या? तुम बस एक बात सुन लो, अगर प्रज्ञा ने ये डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए ना तनु, तुम्हारे लिए ही बुरा होने वाला है। कि मैं ज्यादा दिन घर में टिकने नहीं वाली, और अगर ऐसा हुआ तो आगे से मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी, समझी? एक तरफ ये भाई हो, दूसरी तरफ उसकी ये बहन, दोनों के दोनों जब देखो मुझे बातें सुनाते रहते हैं। पर मुझे कुछ तो करना होगा वरना ये प्रज्ञा मेरा पैंट बजा देगी। इस तनु से इतना भी काम नहीं होता है तो लाइफ में ये करेगी क्या? इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा प्लान ही फेल हो जाए। डियर चीज, इंसान और जानवर में ना सिर्फ इतना फर्क होता है कि इंसान वक्त माहौल को देख के अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन जानवर जैसे भी रखो, जिस हाल में भी रखो, जानवर जानवर ही रहता है। आप कहना क्या चाहती हैं दासी? मुझे लगा था कि जेल में रह के तुम्हें कुछ अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं, अब की बार मुझे तुम्हारे इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। अरे इंसानियत का नहीं तो कुछ तो शर्म कर लो। अभी ने तुमको इस घर में रख के एहसान किया, तुम सिर्फ उसकी बर्बादी चाहती हो। क्या सोच के आई हो तुम इस घर में? दासी आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इतना जोर से चिल्ला रही है आप, सिर दर्द हो रहा है मेरा। आप समझ क्यों नहीं रही है कि एहसान उन्होंने मुझ पे नहीं, मैंने उन पर किया है, उनके घर की होने वाली बहू का बच्चा बचाकर। आप कह रही हैं कि मैं प्लानिंग कर रही हूँ। तूने ये सब कुछ इस घर में आने के लिए किया है ना, और यहाँ आके तू क्या करने वाली है वो बात का पता मैं लगा के रहूंगी। और फिर बेटा तू जिस तरह से यहाँ आई है ना उसी तरह से यहाँ से चली जाए। दासी आप मेरी छोड़िए, आप अपनी परवाह कीजिए। किस मुंह से बोल रही हैं आप ये मुझे सब कुछ? हाँ जहाँ आप खड़ी है ना वो मेरा घर है, आपका नहीं। आप तो मेहमान है। नहीं एक्चुअली आपको तो मेहमान भी नहीं बोल सकती, बिकॉज आप यहाँ से जाती भी हैं तो भी रिटर्न टिकट लेकर वापस आ जाती है। मतलब आपका कोई घर बार नहीं, कोई घर वाले नहीं है क्या? जब देखो अपना मुंह उठाकर हमारे घर में आ जाती है हमारी फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने। मतलब आप मुझे बोल रही है शर्म करने को, आपको थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं? क्या है ना, मुझे इस घर से बाहर निकालने की बात तो दूर है, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है दासी, अगर अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ से आपका परमानेंट टिकट कटवा दूँ। ऐसा नहीं आली, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना वो उस खड्डे में खुद ही गिरता है, और तुम तो कीचड़ उछाल रही हो, और इसी कीचड़ को अगर मैंने तुम्हारे मुंह पे नहीं मल दिया तो मेरा नाम इंदु नहीं, क्योंकि इस बार मैं खुद तुझ पे नजर रखने वाली हूँ, और मेरी नजर ना तेरे इस दिमाग से भी बहुत तेज है, समझी? जस ऐसे क्या देख रही हो? क्यों ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है? ये कॉकटेल है ना, इसमें तीन अलग फ्लेवर होते हैं, इसलिए ऐसा अजीब टेस्ट करता है। तुम फिर से इसे ऐसे देख रही हो? अरे जल्दी से इसे घटक डालो और चलो घर पे, बहुत हो गई ये पार्टी वाटी। कम ऑन। कीप, ये तो हॉट ड्रिंक है। ये रहा सर आपका मॉकटेल जूस। अगर ये मॉकटेल जूस है तो फिर ये क्या है? सॉरी सर, ये टेबल नंबर 3 की ड्रिंक्स है। ये हार्ड ड्रिंक है सर, गलती से आपके पास आ गई। तुमने गलती से इसे शराब पिला दी, वो भी इतना बड़ा पैक। गलती सही,
करेक्ट। आपने भी करेक्ट कहा था, इसमें ना ट्री फ्लेवर है, ट्री लव केयर एंड इमोशन। मेरा फेवरेट ड्रिंक है ना। आई एम रियली सॉरी सर, ये सब मेरे जूनियर्स की वजह से हुआ है। अरे वो जूनियर था, तुम तो सीनियर हो ना, तुम क्यों जूनियर जैसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें अक्ल नहीं। सॉरी सर, मेरी कंप्लेंट मत कीजिए वरना मेरी जॉब चली जाएगी। अगर तुम इसी तरह सर पे खड़े रहे ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। आउट। ए, मैं नजर आ रहा हूं। ये पूछे कहा नहीं नजर आ रहे, यहाँ नजर आ रहे, यहाँ नजर आ रहे, यहाँ नजर आ रहे, यहाँ भी नजर आ रहे। बस 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 बस, लगता है इसे चढ़ गई है। तुम एक काम करो, तुम इसे पियो, फिर मैं कहीं भी नजर नहीं आऊँ। जल्दी जल्दी पियो इसे, जल्दी क्विक। ओके। ये अच्छा नहीं, इसमें तो ऑरेंज और लीची। ये मेरा फेवरेट ड्रिंक, लव केयर इमोशंस वाला। क्या कर रही हो ए मुगैम्बो, तुम पागल हो गई हो, ये पियोगी तो मेरे सर पर नाचोगी। ए रोको इसे मुगैम्बो, छोड़ इसे, चुप। ये करेक्ट ड्रिंक। जिस चीज से मैं डर रहा था वही हो गया मेरे साथ। कर क्या रही हो, नोच क्यों रही हो, यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं ना। अरे अभी मुझे 3D glasses मिले, 3D glasses मिले, उससे आप सही नजर आ रहे। सबके पास है 3D glasses, इंजॉय। देखने से याद है जो प्रोड्यूसर की बीवी थी ना वाइफ, वो मुझे बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे आपकी फोटो देख लीजिए। मैं उसे बता ही नहीं पाई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? प्रेग्नेंट तो मैं हो सकती हूँ, परफेक्ट। लेकिन जिसकी तस्वीर दिल में हो उसको सामने कैसे रख सकती। खत्म हो गई, चलो अब घर चलते। नहीं पिक्चर नहीं खत्म हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम और सेलिब्रेट करेंगे। वेटर, ओए वेटर, डोंट कम हियर, और लेकर आओ ये ड्रिंक। तुम अगर लेकर आए तो मैं रेस्टोरेंट तोड़ दूंगा। अरे 10 मिनट बाद जाइए, आप रुक जाओ। चलो भैया 10 मिनट में कमाल हो जाएगा। अरे आप रुकिए तो। वो करने में तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब कुछ करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कहते मैं प्रज्ञा को धोखा नहीं दे सकता, और यहाँ पे उसके साथ बैठ के रोमांस कर सकती हो तुम। अरे तुम जाओ ना। मैं कहीं नहीं जाऊँ, जब तक तुम इन पेपर्स पे प्रज्ञा के साइन नहीं लेते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर इस बार इन पेपर्स पे साइन नहीं हुए ना, मैं ये बच्चा किसी और को दे दूंगी। बच्चे वाली तनु, इधर आओ। तनु तुम भी इधर बैठो, हम लोग साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। कितना मजा आएगा जब साथ में बैठेंगे तीन लोग, पति पत्नी और वो तो मैं नहीं हूँ, वो तो ये है ना। क्यों सही बोल रही हूँ ना मैं? तुम यहीं पर बैठो, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन पार्टी, पार्टी खत्म हो गई। पार्टी तुम उसके सामने क्यों आई? क्यों तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो गई या रोमांस? जस्ट शराब तनु, मुझे चुप कराने से क्या होगा,
मेरी आंखें तो खुली ना, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे। उसे भी दिखाई दे रहा है जो तुम कर रही थी, और वो उसे सुनाई भी दे रहा है जो तुम बोल रही थी। हाँ, लेकिन वो नशे में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे। तुम चाहते ही नहीं उससे अलग होना। अनु, तुम फिर से शुरू मत कर। तो तुम खत्म कर दो ना। तुम उससे धोखे से सिग्नेचर नहीं लेना चाहते थे ना, ठीक है। अब तो उसने खुद शराब पी ली, वो नशे में, अब तो सिग्नेचर ले सकते हो। तुम्हें ना खुद को बदलना पड़ा ना, तुम्हारे ईगो को चोट पहुँच रही है। ये लो पेपर्स और उससे साइन करवा लो। खुद तुम्हारा रास्ता क्लियर किया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आओ। तनु, तनु क्या हुआ? वो लगते बेबी ने किक मारी। तुम ठीक तो हो ना? स्टॉप इट अभी, ये झूठा कंसर्न मत दिखाओ। और अगर सच में तुम्हें इस बच्चे की इतनी फिक्र होती ना, तो अब तक तुम साइन ले चुके होते। पर हमेशा मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है, हमारी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुमने खुद कहा था ना कि ना तुम उसकी साइड हो ना मेरी साइड, तुम खुद अपनी साइड हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह। अभी इस बच्चे की परवाह कौन करेगा, इसके फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर तुम्हें इस बच्चे को अपना कहने का भी कोई हक नहीं है।